हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास के लिए टॉपिक में प्रश्न नंबर 3 में यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब ये वाला, अब आप निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। यानी कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि एक शब्द के हमें तीन तीन पर्यायवाची दिए हैं, उसी प्रकार से हमें ये जो दो शब्द दिए है उसके सामने उसके तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यानी कि पहला शब्द है घमंड, तो घमंड के दूसरे तीन पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ लिखने हैं। तो घमंड का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? एक होता है गर्व, दूसरा है अभिमान और तीसरा है अहंकार। यानी गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों घमंड शब्द के पर्यायवाची है। उसके बाद है विशाल, तो विशाल के पर्यायवाची कौन कौन से है? बड़ा, विराट और बृहत। कौन कौन से है? बड़ा, विराट और बृहत। तो ये विशाल शब्द के तीन पर्यायवाची शब्द है। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इधर कुछ शब्द दिए हैं, उसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला क वाला शब्द है समुद्र, तो समुद्र का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसमें समुद्र शब्द आना चाहिए। तो इस शब्द को हमें उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो समुद्र के किनारे अनेक लोग जाते हैं। तो आपने देखा इस वाक्य में समुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमें किसी भी शब्द का अगर वाक्य में प्रयोग करना हो तो हमें इस प्रकार से करना होता है। तो इस शब्द का हमें उपयोग उस वाक्य में करना होता है, यानी वो शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। जैसे कि मैंने किया है कि समुद्र, तो उसका वाक्य प्रयोग है समुद्र के किनारे अनेक लोग जाते हैं। उसके उसी प्रकार ख विशाल, तो हाथी विशाल आकार का होता है, ये दूसरा वाक्य है। विशाल शब्द आ गया, उसमें देखा आपने हाथी विशाल आकार का होता है, विशाल शब्द आ गया ना। अब ग वाला शक्ति, हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए शक्ति शब्द आ गया ना, तो इसी प्रकार से हमें वाक्य में प्रयोग करना होता है। अब माफी, तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, क्या बना वाक्य? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। उसके बाद लास्ट वाला खुशी, बच्चों ने खुशी से काम किया, इसमें खुशी शब्द आ गया ना। तो ऐसे ऐसा नहीं होता कि खुशी से एक ही वाक्य बनता है, इस शब्द से बाकी कितने भी वाक्य हम बना सकते हैं, लेकिन उस वाक्य में हमें जो शब्द मेन होता है वो लेना पड़ता है। यानी समुद्र से हमें वाक्य बनाना है तो इस सब कोई भी वाक्य बनाए उसमें आपको समुद्र शब्द आना चाहिए और उस वाक्य का अर्थ भी कुछ निकलना चाहिए, ऐसा आपको वाक्य बनाना होता है। अब विषय संवर्धक क्रियाकलाप, उसमें आपको पहला और दूसरा ये नहीं करना है, और उसके बाद है दूसरा की क्रियाकलाप। पेज नंबर 72 में देखिए आप, उसमें भी एक क्रियाकलाप दिया है। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, नीचे कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखिए और उनके रहने का स्थान पता कीजिए। तो हमें अभी आपको वो सब लिखना नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, सिर्फ आपको पता लगाना है, लेकिन आपको इधर उसके नाम नीचे लिखने हैं। तो ये पहला पक्षी है, ये किसका है? बतख है। क्या है ये? बतख। तो ये कहाँ रहता है? पानी में। वैसे तो ये सभी जो पक्षी दिए हैं वो पानी में ही रहते हैं। तो ये पहला पक्षी है वो बतख है। ये दूसरा पक्षी का चित्र दिया है वो है बगुला। ये तीसरा पक्षी है वो सारस है। और ये चौथा जो पक्षी है वो हंस है। वो ये चारों पक्षी पानी में रहते है। तो समझ में आ गया, पहला है बतख, ये दूसरा बगुला, ये तीसरा है वो सारस है और ये चौथा है वो हंस है। ये दूसरी जो है क्रियाकलाप, इसमें जंगल में रहने वाले जंतुओं का नाम लिखना है और उसकी विशेषता बतानी है, वो आपको अभी नहीं लिखना है। और प्रश्न नंबर 3 है, उसमें बुझो तो जाने, यानी पहेली दी है।
बुझो तो जाने, यानी यहाँ दो पहेलियां दी है वो आपको सुलझानी है। तो पहली पहेली है वो देखिए आप, उसमें है टेढ़ी मेढ़ी गली थी, रस से पूरी भरी थी। तो इस पहेली का उत्तर आपको पता है क्या होता है? उस पहेली का उत्तर होता है जलेबी। क्या होता है बच्चों? जलेबी। जलेबी आपने कभी खाई है? वो कैसे आकार की होती है? टेढ़ी मेढ़ी, गोल गोल होती है, उसका आकार निश्चित रूप से नहीं होता। टेढ़ी मेढ़ी गली थी, रस से पूरी भरी थी। तो आपने जलेबी बनाते हुए देखा है, उसको किसमें डुबाते हैं बनाकर? चाशनी में, चाशनी में डुबाते हैं ना, तो वो रस से पूरी चाशनी उसमें भर जाती है, तो वो रस से पूरी भरी थी। तो उसका उत्तर आएगा जलेबी। उसके बाद दूसरा है, गोल सफेद जैसा जैसे अंडा, खाने में मीठा कुछ ठंडा, फटे दूध का बड़ा कमाल, तुरंत पचता प्यारे लाल। बोलो इसका उत्तर क्या आएगा? रसगुल्ला। खाया है आपने रसगुल्ला? तो कैसा होता है? सफेद अंडे जैसा होता है ना, और खाने में कैसा होता है रसगुल्ला? मीठा और ठंडा भी होता है। और वो किससे बनता है? दूध फटते है ना, उससे हम बनाते, उसको दूध को फाटना पड़ता है, यानी उसको फटे दूध से वो बनाया जाता है, और पचने में भी हल्का होता है। तो उसका उत्तर होता है रसगुल्ला। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों अब इसके बाद हम जो प्रश्न के उत्तर मैंने आपको समझाने के बाकी रखे थे ना, नोटबुक में समझाने के लिए बोला था, वो हम देखेंगे। तो लेसन नंबर 9 में मौखिक में प्रश्न नंबर 2 में है, कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। उसमें पहला है क, क में है टिटहरी कहाँ रहती थी। तो टिटहरी कहाँ रहती थी बच्चों? टिटहरी समुद्र के किनारे रहती थी। कहाँ रहती थी? समुद्र के किनारे रहती थी। अब दूसरा है ख, उसका पति कैसा था। तो टिटहरी का पति कैसा था? तो उसका उत्तर आएगा, उसका पति घमंडी था। टिटहरी का पति घमंडी था ना, उसको बहुत अभिमान था, तो टिटहरी का पति घमंडी था। उसके बाद छोटा घ वाला, अंडों का क्या हुआ। तो उसका उत्तर आएगा, अंडों को समुद्र बहाकर ले गया। टिटहरी का पति बहुत घमंड कर रहा था, तो उसको सबक सिखाने के लिए समुद्र टिटहरी के अंडों को बहाकर ले गया। बड़ा वाला घ, तिनकों को मिलाकर क्या बनता है। तो उसका उत्तर आएगा, तिनकों को मिलाकर रस्सी बनती है। उसके बाद अंग वाला, सभी पक्षी किसके पास गए। तो उसका उत्तर आएगा, सभी पक्षी राजा गरुड़ के पास गए। कहाँ गए? राजा गरुड़ के पास गए। उसके बाद लिखित में क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें कहे, टिटहरी ने अपने पति से क्या कहा। तो उसका उत्तर आएगा, टिटहरी ने अपने पति से सुरक्षित स्थान खोजने के लिए कहा, जहाँ पर वह अंडे दे सके। टिटहरी ने अपने पति से क्या कहा? जब अंडे देने का समय आया, तो उसने अपने पति से कहा कि आप कोई सुरक्षित स्थान ढूंढिए, जहाँ पर मैं अंडे दे सकूं। तो वह उसको अपने पति से क्या बोलती है कि वो सुरक्षित स्थान खोजिए, जहाँ पर वह अंडे दे सके। अब पीछे, समुद्र ने क्या फैसला किया। तो उसका उत्तर आएगा, समुद्र ने टिटहरी के पति को सबक सिखाने का फैसला किया। जब टिटहरी और उसका पति बात कर रहे थे ना, तब समुद्र ने सुन ली, तो टिटहरी के पति का घमंड देखकर समुद्र ने उसको सबक सिखाने का फैसला किया। अब घ वाला, सभी पक्षियों ने आपस में चर्चा क्यों की। तो उत्तर आएगा, सभी पक्षियों ने आपस में चर्चा की क्योंकि वे सब मिलकर भी समुद्र के पानी को सुखा नहीं सकते। क्योंकि वो सभी पक्षी जानते थे, क्योंकि हम सभी मिलकर भी समुद्र बहुत विशाल है, तो इसका पानी सुखा नहीं सकते। तो वो सभी पक्षियों को समझ में आ गया था कि ये टिटहरी का पति जो बात कर रहा है, वो कभी भी संभव नहीं है। तो
उन सभी पक्षियों ने मिलकर उसकी चर्चा की। अब बड़ा घ वाला, मोर ने गरुड़ से क्या कहा? तो उसका उत्तर आएगा, मोर ने गरुड़ से कहा कि समुद्र ने आपके होते हुए भी टटहरी के अंडे चुरा लिए है, इस प्रकार तो पक्षी कुल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो मोर जब टिटहरी और उसका पति सभी पक्षियों के पास गया तो सभी पक्षियों ने क्या सलाह दी कि हमें अपने राजा गरुड़ के पास जाना चाहिए। तब जब गरुड़ से मिलने सभी पक्षी गए तब मोर ने गरुड़ से कहा, क्या कहा कि ये समुद्र ने क्या किया है, हमारे जो टिटहरी है उसके अंडे चुरा लिए है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जो पक्षी कुल है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो मोर ने गरुड़ राजा को बताया। अब लास्ट वाला है, समुद्र किससे प्रभावित हुआ? तो उसका उत्तर आएगा, समुद्र गरुड़ की नम्रता से प्रभावित हुआ। किससे प्रभावित हुआ? समुद्र की नम्रता से प्रभावित हुआ। तो बच्चों, मैंने आपको अभ्यास के लिए टॉपिक में जो आपकी हिंदी किताब में करवाया वो क्वेश्चन भी, और इन नोटबुक में मैं जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अभी समझाए वो सभी आपको पीडीएफ करके भेज दूंगी। तो आपको अपनी नोटबुक में, ये नोटबुक वाले क्वेश्चन आंसर है ना, वो नोटबुक में लिखने हैं, और टेक्स्ट बुक वाला अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।